जो है आज जो है तमाम हमारे मंझगांव प्रखंड अंतर्गत तहसील पंचायत के तमाम जो हमारे क्रंथ के साथी हैं, आज हम लोग है इस विधानसभा के अंदर में यहाँ की जनता ने 10 साल पूर्व में भाजपा को मौका दिया और 15 साल से यहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो विधायक नेपूर्ति को मौका दिया, लेकिन तमाम दोनों विधायकों को देखने के बावजूद देखने के बाद जनता ये महसूस करती है कि यहाँ पर जनता जिस उम्मीद के साथ दोनों पार्टियों को अवसर दिया उन उम्मीदों पर यहाँ के दोनों विधायक खरा नहीं उतरते हैं। यहाँ पर न शिक्षा की व्यवस्था है, न रोजगार की व्यवस्था है, न यहाँ पर सिंचाई की व्यवस्था है। यहाँ पर बगल में हमारा बेलमा डैम होते हुए लोगों के खेतों तक पानी का कोई प्रबंध नहीं है, यह प्लान बड़ा गंभीर समस्या है। इन तमाम चीज़ों को देख करके हम तमाम युवा ने संकल्प लिया है कि इस बार मझगांव विधानसभा के अंदर मिलकर हमको बदलाव लाना है ताकि जो झारखंड राज्य के जो उद्देश्य था सपना था उस उद्देश्य को पूरा कर सकें, ताकि झारखंड राज्य तरक्की के राह पर आगे बढ़े। इन्हीं संकल्प के साथ हम जो है मिल करके इस तृतीय पंचायत से लीड करेंगे, पूरे मझगांव विधानसभा से लीड करेंगे, ताकि एक नया यहाँ पर नया जो सो नया जो साथ एक विजय हो। मैं माधव चंद्र कुंकर इस बार मझगांव विधानसभा से अध्यक्ष विधान मंदिर पार्टी से प्रत्याशी, जो है सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार साथियों, बीते आज़ादी के इतने वर्षों के बाद भी 24 साल हो गया लेकिन हमारा यहाँ परिवर्तन करना पर आज तक कुछ भी नहीं हुआ। 10 साल हमने बीजेपी को दिया, 15 साल हमने जेएमएम को दिया, लेकिन किसी प्रकार का परिवर्तन का कोई चिन्ह नहीं, कोई उनका कोई अस्तित्व नहीं रहा। तो इस बार इसीलिए नया चेहरा को बहुत दिन से हम लोग चाह रहे थे, लेकिन इस बार नए चेहरे के रूप में माधव चंद्र कुंकर हमारे लोग के सामने आए हैं। जन समस्याओं को लेकर उन्होंने काफ़ी आंदोलन किया है, जिसके वजह से हम लोगों ने उनसे प्रभावित होकर आज इस बार हम लोग माधव चंद्र कुंकर को इस बार प्रत्याशी के रूप में स्वीकार करते हैं और इस बार अपने पूरे दमखम के साथ माधव चंद्र कुंकर को हम लोग आगे आने के लिए पूरा बहुमत साबित करके दिखाएंगे। के तौर पर मैं चुनाव लड़ रहा हूं और इस चुनाव में मेरा चुनाव चिन्ह है, ये आपका सिटी है जिसका क्रम संख्या 11 है, ये चुनाव चिन्ह सिटी जिसका क्रम संख्या 11 है। और आप तमाम लोग हम लोगों के संघर्ष को सोशल मीडिया के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, चाहे अखबारों के माध्यम से जो फिर हमारे संघर्ष में शामिल हुए, तमाम लोग हमारे संघर्ष को देखे हैं, पहचानते हैं कि हम लोग जो है जनता के हर मुद्दों के लिए, बुनियादी सवालों के लिए संघर्ष कर रहे हैं और इस संघर्ष में आप तमाम जनता का काफ़ी योगदान रहा है। लेकिन हमारी लड़ाई जो है ये अमीर बनने की लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई जो है यहाँ के सबसे वंचित तबका जो शोषित है, कमज़ोर लोग हैं जिनकी कोई आवाज़ नहीं है, उनकी आवाज़ को बनने के लिए हम लोग ये चुनाव लड़ रहे हैं। और इस चुनाव में हमें चुनाव चिन्ह के तौर पर ये सिटी छाप जो मिला है, इसका एकमात्र मकसद है कि अगर समाज के अंदर में अन्याय अत्याचार हो रहा है, अगर कोई राशन डीलर आपके राशन की चोरी कर रहा है, कोई अगर कहीं पर आप काम कर रहे हैं ठेकेदार आपके मजदूरों को मजदूरी चोरी कर रहा है, तो उन तमाम लूट के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ जो है हमें मिल करके ये सीटी बजा करके उन लुटेरों को भगाने का काम करना है। इसलिए साथियों, आप तमाम साथियों से अपील है कि इस चुनाव में हमारे इस चुनाव चिन्ह सिटी छाप को कम से कम 11 पर ज़्यादा से ज़्यादा वोट दे करके हमें मझगांव विधानसभा से प्रतिनिधित्व करने का अवसर दें। और ये लड़ाई आप तमाम लोगों की लड़ाई है, इसलिए तमाम लोग जो है मिल करके इस संघर्ष के कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए अपने अपने जिम्मा को जिम्मेदारी लेते हुए तमाम परिचितों को, तमाम मझगांव विधानसभा के जितने भी मतदाता हैं, तमाम लोगों को संपर्क करके इस सिटी छाप जो मेरा चुनाव चिन्ह है उसके बारे में बताने का एक प्रयास करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हमारे चुनाव चिन्ह को पहचाने। और चूंकि आज के समय में इस लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर में चुनाव काफ़ी बेहतरीन चीज़ है, लेकिन आज के समय में चुनाव काफ़ी महंगा हो चुका है। अभी चुनाव के प्रचार प्रसार में काफ़ी खर्चा होता है, चाहे गाड़ी की व्यवस्था करना हो, चाहे पंपलेट की व्यवस्था करना हो, चाहे फ्लैक्स का व्यवस्था करना हो, यहाँ तक कि इस चुनाव में आपको जो है जिसका क्रिमिनल कुछ केसेस है, जैसे कि हम संघर्ष कर रहे लोग हैं, हम लोग आपका जंगबुरु घाटी में वहाँ पर जो पीड़ित लोगों के न्याय के लिए हम लोगों ने आवाज़ उठाया, तो उस पर पुलिस प्रशासन द्वारा हमारे ऊपर केस करवा दिया गया था। कुछ खास सरकार में बैठे लोगों के इशारे पर हमारे ऊपर केस हुआ, जिस वजह से हमें जेल जाना पड़ा। और फिर आपको याद होगा कि हम लोगों ने जब संघर्ष का शुरुआत किया था, तो हम लोगों ने 2019 में शिवा प्रसाद जो राशन डीलर है जिनके द्वारा बड़े पैमाने पर लूट खसूट किया जा रहा था, तो उनके विरुद्ध जब हम लोगों ने मोर्चा खोला, तो उस समय हमारे ऊपर फिर केस, उस पर भी हमें जेल जाना पड़ा था। ऐसे परिस्थिति में जो हम लोग जनता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, तमाम शोषित वंचितों की लड़ाई, जो नौजवान जो है रोजगार के तौर से बाहर प्लान कर गए हैं उनके लिए हम लड़ रहे हैं, जो अब बहनें जो है आज रोजगार के तलाश में राज्य के प्लान कर गए हैं उनकी हम लड़ाई लड़ रहे हैं।
तो ये शोषित वंचित वर्गों की लड़ाई, इसलिए इस लड़ाई में आप तमाम लोगों का सहयोग की जरूरत है। और इस चुनाव में ये सीटी छाप पर आप ज्यादा से ज्यादा बटन दबाकर हमें समर्थन करें और आप लोग से जो स्वेच्छा से बन पड़े हम आर्थिक सहयोग करें ताकि हम संसाधन जुटा करके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम जनसंपर्क स्थापित करके इस धनबल के आगे जो है जनबल को जिता सके। मैं माधव चंद्र मझगांव विधानसभा प्रत्याशी, चुनाव चिन्ह सीटी छाप क्रम संख्या 11, सभी को जोहार, धन्यवाद।